और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रिज पर हुए हादसे विस्फोट के मामले में उदयपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर में न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लग गई है। न्यूज 18 ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि यह विस्फोट जिलेटिन और फ्यूज वायर के जरिए कराया गया था। उदयपुर ट्रैक ब्लास्ट मामले में उदयपुर के थाना जावर माइंस में कई आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें विस्फोटक अधिनियम और यूएपीए की धाराओं को भी शामिल किया गया है। रेलवे के सीनियर स्टेशन इंजीनियर रेल पथ गणेश प्रसाद ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। देखिए, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। उदयपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। शुरुआती दौर में आशंका इस बात की जाहिर की जा रही थी कि हो सकता है किसी आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया हो, लेकिन जिलेटिन के जरिए इस घटना को अंजाम दिया गया है, साथ साथ वायर को फ्यूज करके दिया गया था, इस बात की जानकारी। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले हमने आपको न्यूज 18 एरिया पर दिखाई थी और इस जानकारी पर देखिए अब ये बड़ी मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। शनिवार को धमाका किया गया था, रेल ट्रैक उस वक्त टूटा हुआ मिला था। ब्रिज धमाका मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और आशंका ये जाहिर की जा रही थी कि गुजरात चुनाव के पहले एक तरीके से ये अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है शरारती तत्वों की ओर से। हर एंगल से जांच की कोशिश, पुलिस की ओर से पूरी पूरी कोशिश की जा रही थी। और हमारे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी तिवारी, और क्या कुछ डिटेल्स हैं इस खबर को लेकर, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें क्या क्या कुछ शामिल किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस मामले में जो पुलिस की एफआईआर दर्ज की गई है उसमें न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लगाई है, क्योंकि इस एफआईआर में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विस्फोट में जिलेटिन के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था, यानी जिलेटिन विस्फोटक इस विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था और इस खबर को अपने दर्शकों तक न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले पहुंचाया था। पुलिस की एफआईआर में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि वहां पर फ्यूज वायर और जिलेटिन, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल पुलिस की जांच अब इस एंगल की तरफ मुड़ गई है कि इस मामले में कौन सा गैंग शामिल हो सकता है। 3 मुद्दों पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले को जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा जा सकता है। जी ओपी तिवारी, क्योंकि जिलेटिन की छड़ों का अगर इस्तेमाल किया गया तो जाहिर सी बात है कि कोई छोटा मोटा धमाका करने की साजिश नहीं थी, एक बड़ा धमाका करने की साजिश थी। कि क्या कोई भी आतंकवादी संगठन या किसी भी तरीके की घटना के बारे में अब तक कोई जानकारी एनआईए या एटीएस की तरफ से दी गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसी मामले की जांच में लगी हुई है, क्योंकि जो मौका वारदात पर जिलेटिन के टुकड़े जिस तरह से पाए गए, फ्यूज वायर जिसके बारे में आरंभिक तौर पर आशंका व्यक्त की गई है कि ये 10 से 15 मिनट तक फ्यूज वायर जला होगा और उस फ्यूज वायर के जरिए पर आग धीरे धीरे वहां तक पहुंची होगी, तो लिहाजा ये पूरी की पूरी साजिश एक सेकंड की कड़ी है और इसी बात को बिल्कुल प्री प्लान प्रतीत होती है, क्योंकि 15 से 20 मिनट का इंतजार करना, टाइम लेकर चलना कि 15 से 20 मिनट में वायर जल जाएगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा, जाहिर तौर पर प्री प्लान ये साजिश लग रही है। हालांकि जांच एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे।